Hey friends, welcome back to my channel Sense Friend. तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे LG के 55UQ8040 मॉडल नंबर 4K LED TV का. तो ये बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल आया है अभी मार्केट में. तो इस रिव्यू के लिए मैं आया हूँ सचदेवा इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली के जेल रोड पे. और इसकी डिटेल में जानकारी के लिए हम चलते हैं मिस्टर विनय के पास. नमस्कार, मैं विनय, LG SSC सचदेवा इलेक्ट्रॉनिक्स पे. आज हम अपने न्यू मॉडल LED के अंदर जो लॉन्च हुआ है हमारा 55 इंच के अंदर 55UQ8040, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, अपग्रेडेशन आया है, प्रोसेसर चेंज हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. ये देखिए, सबसे पहले इसकी लुक देखते हैं जो डिस्प्ले किया हुआ है हमने. ये देखिए 55UQ80, इसकी ये 80 सीरीज है. वैसे फुल मॉडल 55UQ8040 है, फुल मॉडल नेम है इसका. और प्लस ये आपकी लुक रहेगी, फ्रेमलेस के अंदर इसकी लुक है जो कि. प्लस इसके अंदर जो हम बात करेंगे खास फीचर्स की, वो हम बात कर लेते हैं. जो इसके खास फीचर्स होंगे वो रहेगा इसका, सबसे पहले तो ये 4K डिस्प्ले है, जिसके साथ में जो इसमें प्रोसेसर, पहले क्वाड कोर प्रोसेसर आ रहा था, वो अब प्रोसेसर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर Alpha 5 जनरेशन 5 का प्रोसेसर है, जो कि पहले कि सिर्फ LG के OLED TV में आता था, महंगे TV में. अब वो इस TV में भी आ गया है प्रोसेसर. प्लस इसके अंदर आपका AI ब्राइटनेस कंट्रोल रहेगा. प्लस इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है HDR10 Pro दिया गया है. प्लस 10 Pro के साथ में अब 4K का अप स्केलर लगाया गया है, जिससे कि हम नॉर्मल जो कंटेंट वीडियोस चलाते हैं HD फुल HD वाले, उसे 4K जितना अपस्केल करके दिखाता है. प्लस इसके अलावा हम बात करेंगे AI साउंड विथ वर्चुअल 5.1 अपमिक्स. AI साउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साउंड है. प्लस इसके अलावा 5.1 वर्चुअल साउंड है, जिसकी वजह से सराउंडिंग इफेक्ट आपको आता है साउंड के अंदर. प्लस इसके अंदर जो खास फीचर्स हैं, बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट एंड अलेक्सा, प्लस एप्पल एयरप्ले, प्लस होम किट. प्लस इसके अंदर जो वेबोस, LG का वेबोस ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा था, पहले 3.0 आया था, फिर 6.0 आया था. अब जो इसका सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, वेबोस 22 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके साथ में आपको विथ यूजर प्रोफाइल मिलेगा. अलग अलग आप इस एक ही टीवी में प्रोफाइल बना सकते हैं, उसके हिसाब से कंटेंट सजेस्ट करता है अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से. प्लस इसके अंदर आपका गेम ऑप्टिमाइजर रहेगा, जो गेमिंग वगैरह के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा, प्लस लैक वगैरह नहीं करती गेमिंग. प्लस इसमें आपको गेमिंग का प्रोसेसर काफ़ी अच्छा स्मूथ मिलेगा. आइए देखते हैं. सबसे पहली चीज़ जो इसका रिमोट रहेगा, कि आपका रिमोट आएगा मैजिक मोशन रिमोट, जो कि आपका LG का रहेगा, जिसमें आपका माउस मिलता है. ये देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे कर्सर रहेगा. प्लस इसके अंदर बीच में आपको ये व्हीलर मिलेगा, राउंडिंग व्हीलर अप एंड डाउन करने के लिए. प्लस इसमें वॉइस कमांड आपको गूगल असिस्टेंट, प्लस अलेक्सा, प्लस LG ThinQ की आपको इसमें वॉइस कमांड तीन तरीके की मिलती है. प्लस इसमें आपको जो इस रिमोट के अंदर यूनिवर्सल रिमोट बोलते हैं, इसमें क्या होता है, आप एक्सेस और भी ज़्यादा शॉर्टकट्स कीज़ को कर सकते हैं. जैसे कि अभी हमने देखा है ये सारी कीज़ है, जैसे शॉर्टकट कीज़ है इसमें हॉटस्टार, प्लस एलेक्सा, मूवीज़, नेटफ्लिक्स. प्लस अगर हम चाहते हैं कि यूट्यूब चलाना है, तो अभी हमने सेट किया हुआ है, एक नंबर हम प्रेस करेंगे तो यूट्यूब चलेगा. ये देखिए, जैसे हमने एक नंबर प्रेस किया, 3 सेकेंड यूट्यूब खुल गया हमारा. प्लस हम 2 नंबर पर चाहते हैं कुछ और सेलेक्ट करना, कि हम 2 नंबर पे मान लीजिए हम HDMI चलाना चाहते हैं, या अपने हिसाब से हम हॉटस्टार लगाना चाहते हैं या सोनी लिव, तो 2 नंबर हम प्रेस करेंगे. ये देखिए G5 खुल गया हमारा, ये हमने 2 नंबर पे G5 सेलेक्ट किया हुआ है. तो इसी तरीके से हम अलग अलग कीज़ पे 9 नंबर्स तक अलग अलग हॉट कीज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं मैजिक मोशन यूनिवर्सल रिमोट. प्लस इसी रिमोट से हम अपने टाटा स्काई, डिश TV सबको कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग रिमोट की ज़रूरत नहीं होती हमें. ये आप देख रहे हैं, ये वेबोस का आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन 22 वर्जन है, वेबोस 22, जिसमें कि आपका देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले ऊपर सेटिंग वगैरह दिखाएगा, ये सेटिंग का बटन है. प्लस इसके कॉर्नर में यहाँ पे आपको यूजर दिखाएगा, यूजर आप सेलेक्ट कर सकते हैं. प्लस आपका जो ट्रेंडिंग नाउ होता है यहाँ पे शो करेगा आपका, जैसे आपने रिसेंटली क्या चला रहे थे, तो लाइव TV है, जैसे HDMI वगैरह लगा रखे आपने, डिश TV वगैरह, तो यहाँ लाइव TV शो करेगा. प्लस जो ट्रेंडिंग वीडियोज़ होती हैं आपकी, वो चाहे आपकी अमेजन प्राइम पे हो, हॉटस्टार पे हो, एप्पल पे हो, सब सारी चीज़ें शो करेगा. प्लस इसके अलावा जो हम ऐप्स डाउनलोड करके रखते हैं, जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, G5, हमने अभी डाउनलोड किया अपने प्ले स्टोर से, तो ये आपको हाईलाइट करके सामने फ्रंट में दिखा रहा है डाउनलोडेड ऐप्स. ये देखिए, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, G5, अमेजोन प्राइम, यूट्यूब, एप्पल TV, IQ, UFC, FTV वगैरह. प्लस इसके अलावा जो हम और कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये आपका प्ले स्टोर होता है LG का, ऐप्स स्टोर, ये वाला, इसको आप क्लिक करेंगे. इसके अंदर काफ़ी सारे थाउजेंड टाइप्स एक्स्ट्रा आपको ऐप्स, गेम्स, एंटरटेनमेंट ऐप्स, आप सबको डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर. प्लस इसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स अलर्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है,
स्पोर्ट्स सेलर्स में आप जैसे कि अगर कोई अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आपका जैसे आप क्रिकेट देखते हैं या इस आप सॉकर देखते हैं या फुटबॉल देखते हैं तो उसके हिसाब से अपनी क्रिकेट जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट आप देखते हैं तो क्रिकेट पे आप क्लिक करेंगे आईपीएल और आईपीएल है आपका कौन सी आईपीएल की जो आपकी फेवरेट टीम है जैसे चेन्नई तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से जो भी अब चेन्नई सुपर किंग्स के जितने भी मैच होंगे उसका आपको साइड में अलार्म आ जाएगा सेट अलार्म कर सकते हैं नोटिफिकेशन आएगा प्लस मैच जब स्टार्ट होगा और प्लस एंड होगा तो आपको स्कोर कार्ड भी शो करेगा पॉपअप के थ्रू कॉर्नर के अंदर। इसके अलावा ये देखिए रूम टू रूम शेयर का इसमें नए फीचर आ गए हैं। रूम टू रूम शेयर में क्या होगा कि जैसे कि हम एक हमारे दो रूम है रूम अपने घर के अंदर तो एक बड़ा रूम है जो बेडरूम है प्लस एक बच्चों का रूम है तो जो हम यहाँ पे चला रहे हैं जैसे हम डिश टीवी यहाँ पे शो कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे चलता रहे और हम दूसरे रूम में जाएं तो सेम कंटेंट वहीं से चालू हो छोटे टीवी के अंदर तो वो आपका चल जाएगा सेम रूम टू रूम में से बोलते हैं सेम कंटेंट दो जगह पे चलेगा आपका इस टीवी के थ्रू प्लस आपका ये होम डैशबोर्ड रहेगा जहाँ से हम सारी चीज़ें आपकी शो कर सकते हैं होम डैशबोर्ड में कि आपका क्या क्या कनेक्टिविटी हो रखी है यहाँ पे प्लस आपके क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मिल रहा है आपको जैसे ये वेबोस का आपका मिल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रखा है यहाँ लाइव टीवी शो कर रहा है अभी कनेक्ट नहीं किया हुआ हमने तो इसलिए नो प्रोग्राम लिखा है प्लस ऑडियो वीडियो का जैक मिल जाता है 3 जो ऑडियो वीडियो होता है हमारा प्लस HDMI के 3 पोर्ट्स मिलेंगे 1, 2, 3 प्लस आपका जो इसमें अगर आप स्क्रीन कास्ट वगैरह करना चाहते हैं तो वो शो कर रहा है यहाँ पे प्लस आपका एप्पल एयरप्ले है एप्पल के मैकबुक एप्पल के फ़ोन आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं प्लस अगर एप्पल के मैकबुक वगैरह से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं इसके पूरे टीवी को प्लस आपका USB का कंट्रोल मिल जाएगा यहाँ पे USB कनेक्टिविटी ये हमने एक लगाई हुई USB इसलिए कनेक्ट करके दिखा रहे हैं यहाँ पे प्लस अगर आप यहाँ पे ऐसे टीवी के स्पीकर को सेट करना चाहते हैं जैसे अभी टीवी स्पीकर पे यहाँ से आप ब्लूटूथ मोड पे सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये सेटिंग के लिए प्लस यहाँ पे LG ThinQ डिवाइसेस है अगर आप LG ThinQ के थ्रू एक LG ThinQ इनका ऐप आते हैं जिसके थ्रू आप अपने LG के सारे डिवाइसेस एक ही जगह पे से ऑपरेट कर सकते हैं जैसे अभी यहाँ पे दिखा रखा है रेफ्रिजरेटर हमने भी रेफ्रिजरेटर कनेक्ट किया हुआ था LG का जो कि यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते थे उसका टेम्परेचर वगैरह प्लस और भी जितने भी IoT डिवाइसेस होते हैं कनेक्ट होम IoT डिवाइसेस यहाँ पे आप क्लिक करके सारे कंट्रोल कर सकते हैं LG ThinQ डिवाइस के थ्रू प्लस इसके अलावा और हम बाहर जाते हैं देखिए क्या फीचर्स आए हैं प्लस इसमें आपको ब्राउजर मिल जाता है वेब ब्राउजरिंग वगैरह करना हो तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं LG इंडिया ये देखिए पूरा इस तरीके से शो करेगा इजी टू ऑपरेट रहेगा आपको ब्राउजरिंग करने के लिए भी क्योंकि इसमें आपको माउस दिया गया है जहाँ भी आपको ले जाके क्लिक करना है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं ये देखिए प्लस टाइपिंग करने के लिए बहुत ही आसान रहता है प्लस इसमें पेज अप एंड डाउन करने के लिए रोलर दे रखा है जो आपके माउस में होता है स्क्रोलर उस तरीके से स्क्रोल कर सकते हैं आप प्लस आपका जो माउस है वही बेनिफिट रहेगा इस आप जब नेट चला रहे हैं प्लस इसके अलावा ये देखिए इसके अलावा यहाँ पर हम साइड में एक और फीचर दिखाते हैं इसका ये देखिए यहाँ से अगर हम चाहें कि अपने स्क्रीन पे हम डबल व्यू करना चाहें मतलब आपका जो हमने गूगल पे सर्च किया है वो गूगल पे इधर सर्चिंग रहेगा प्लस इधर आपका ये वाला एरिया जो आपका डिश टीवी चल रहा है केबल चल रहा है टाटा स्काई वगैरह वो यहाँ पे शो करेगा इसे बोलते हैं आपका स्क्रीन टू स्क्रीन हाफ स्क्रीन आपकी दूसरे वर्क के लिए काम आएगी जैसे कि आपका डिश टीवी वगैरह दूसरा हाफ स्क्रीन जो होगा आपका नेट वगैरह बफरिंग के लिए यूजर आप कर सकते हो इसमें प्लस अगर आपको फुल स्क्रीन करना दोबारा तो इस तरीके से फुल स्क्रीन हो जाएगा प्लस इसके अलावा अगर आपको इसमें जूम करना है जैसे कि आपको थोड़ा सो कम जैसे दिख नहीं रहा क्लियर तो आप इसे मिनिमाइज़ और एक्सटेंड भी कर सकते हैं देखिए ये देखिए छोटा हो गया ये 100 पे अभी प्लस इसे आप जूम करना चाहते हैं 125 150 200 250 ये देखिए जूम होता जा रहा है तो आप जूमिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर और प्लस मैंने बताया टीवी व्यू भी कर सकते हैं स्क्रीन टू स्क्रीन वाला वही बेनिफिट रहेगा प्लस इसके अलावा हम आइए और देखते हैं फीचर्स में क्या है ये देखिए जैसे कि अभी यहाँ मल्टी ये मीडिया प्लेयर दिखा रहा है जो भी आपका USB लगा होगा उसमें आपके फोटोज़ वीडियोज़ ऑडियो सॉन्ग सब कुछ चला सकते हैं प्लस आपका Alexa बिल्ट इन है इसके अंदर Alexa की सेटिंग्स आप जो करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं सारी गूगल असिस्टेंट इसमें इनबिल्ट है प्लस आपका ये ऐप्स हमने डाउनलोड करी हुई है जैसे इंडिया टुडे न्यूज़ वगैरह के लिए सोनी लिए वूट तो अगर आप जैसे डिश टीवी वगैरह नहीं लगाना चाहते तो आप इसी तरीके के काफ़ी सारी ऐप्स डाउनलोड करके ऑनलाइन चला सकते हैं वो आपका बेनिफिट रहेगा प्लस इसके अलावा ये हमने होम डैशबोर्ड देख लिया प्लस LG ThinQ हमने ऐप से कनेक्ट कर रखा है इस टीवी को अगर आपके पास ये रिमोट नहीं है रिमोट इधर उधर हो गया मिल नहीं रहा है तो आप इसे LG ThinQ ऐप के थ्रू भी पूरा कंट्रोल कर सकते हैं इसे आप अपने PC की तरह भी यूज कर सकते हैं
जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके स्क्रीन के लिए भी यूज कर सकते हैं, कैमरे वगैरह लगाने सारी चीज़ों के लिए यूज हो जाएगा, HDMI लग जाएगी। प्लस इसके अलावा स्पोर्ट्स अलर्ट्स हमने देख लिया, वेब ब्राउजरिंग के लिए शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे दिखा रखे हैं, मैसेंजर, अमेजोन, फेसबुक, क्रिकेट बज, गूगल, बाकी जो भी आप सर्च करते हैं, MX प्लेयर, सब कुछ इसमें चलेगा। प्लस आपका जो स्ट्रीमिंग आप करते हैं डेली बेसिस पे, आपके कंटेंट के हिसाब से, जो आपने प्रोफाइल ऊपर जाके प्रोफाइल आपने बनाई है जिस हिसाब से, जैसे अपने प्रोफाइल में आप जो भी सर्च करते हैं उसके हिसाब से AI कंटेंट आपको रेकमेंड करेगा। अमेजोन प्राइम पे जैसे रेकमेंड कर रहा है मुझे मिर्जापुर, रिंग्स ऑफ पावर, जो जैसे कि मैंने थोड़ा अपना एंटरटेनमेंट वाला सेलेक्ट किया हुआ है। प्लस अगर यूट्यूब पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे यूट्यूब पे, तो जिस तरीके के आप कंटेंट्स देखते हैं उस तरीके का आपको कंटेंट रेकमेंड करेगा। एप्पल TV पे भी सेम। प्लस इसके अंदर जो न्यू रिलीज़ होते हैं मूवीज़ वगैरह सारी चीज़ें, ये देखिए न्यू रिलीज़ का अलग यहाँ पे स्क्रोलर बना रखा है, ये सारे न्यू मूवीज़ वगैरह जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, सीरीज़ होती हैं, वो सारी आपको शो करेंगी। प्लस इसके अलावा ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे ये प्रोफाइल होता है, यूजर प्रोफाइल, एट ए टाइम हम इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोफाइल्स बना सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें प्रोफाइल हमारे 7 to 12 प्रोफाइल्स बन सकते हैं, जो और अलग अलग प्रोफाइल, जैसे अब ये मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, मैं चाहूँ तो मेरे बच्चों का प्रोफाइल बन सकता है, मेरे फ्रेंड का बन सकता है, मेरे घर के जो और मेंबर्स हैं उनके मैं प्रोफाइल यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और उसके हिसाब से आपको कंटेंट रेकमेंड करता है, उसके हिसाब से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। प्लस जो हमने बताया स्टार्टिंग में कि वेबोस का ये वर्जन सबसे लेटेस्ट है, 22 वेबोस वर्जन, जिसकी वजह से ये आपका TV काफ़ी स्मूथ चलता है, लैकिंग वगैरह नहीं करता। प्लस एंड्रॉयड TV नहीं है, जिसकी वजह से हैंगिंग प्रॉब्लम आ रही थी, तो एंड्रॉयड नहीं है, हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, चैच फाइल इकट्ठा नहीं होता है और स्मूथ चलता है। प्लस ये देखिए इसकी पिक्चर को क्लियरिटी की बात करें, ये देखिए हम यहाँ पे आप पिक्चर की क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं, क्वालिटी में जाके ये देखिए 2160 HDR, 2160 को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 2160 HDR। स्पीड को यहाँ से हम कैप्चर कर सकते हैं, सराउंडिंग मोड अभी ऑन है हमारा, 5.1 वर्चुअल साउंड है जो इसके अंदर। ये देखिए पिक्चर क्लियरिटी, फुल डिटेलिंग मिलेगी आपको 4K के साथ में, एक एक डिटेलिंग्स, जैसे कि आपका 20W का Dolby का स्पीकर लगा हुआ है सराउंडिंग मोड के साथ में, फाइन डिटेलिंग्स के साथ, ब्लैक आपको डीपर ब्लैक दिख रहा है, प्लस वाइट जहाँ दिख रहा है वहाँ वाइटर दिख रहा है। ये आपका प्रोसेसर का कमाल, Alpha 5 का 5th generation प्रोसेसर। तो जैसे हम बता रहे थे कि अब इसमें जो हम ब्राइटनेस लेवल कंट्रोल करना चाहते हैं या साउंड लेवल, साउंड के जो अलग अलग मोड्स हैं, तो उसको सेटिंग में हम जाके सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका सेटिंग का प्रेस किया हमने बटन, और सबसे पहले आ रहा है ऑक्यूपाइड पिक्चर मोड। ऑक्यूपाइड मतलब आपका ये ऑप्टिमाइज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बेस पे कलर को ये डिटेलिंग को फाइन करके सेट कर सकता है। वैसे हम कलर्स को कम ज़्यादा करना चाहें तो जैसे अभी विविड मोड पे, हम इसे स्टैंडर्ड मोड पे सेट कर सकते हैं, जिसमें थोड़े कलर्स कम हो जाते हैं, ब्राइटनेस कम हो जाती है। अगर हम ऑटो पावर सेविंग पे करें तो और भी लाइट्स डिम हो जाती हैं। ये सिनेमा मोड होता है हमारा, प्लस ये क्रिकेट मोड है, मोर ब्राइटर, जिसमें कि क्लियरिटी दिखेगी आपको, जो फास्ट मोशंस होते हैं, बॉल्स बैट मिस नहीं होंगे आपके। प्लस आपका ये फिल्म मेकर मोड है, जो कि आपकी जो भी हॉलीवुड्स कंटेंट्स होते हैं, तो जो हॉलीवुड कंटेंट्स के साथ में LG ने एक बहुत बड़ा टाई अप किया है, जिसकी वजह से जो वो मूवीज़ बनाते हैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर फिल्म मेकर, तो वो क्या करते हैं कि अपने हाई ग्राफिक्स कैमरे के साथ बनाते हैं, तो अगर उन वीडियोज़ को हम इस मोड पर देखते हैं तो वो जो प्रोड्यूसर हमें दिखाना चाहता है हॉलीवुड का कंटेंट, वो सेम रियल उसी कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ में दिखेगा इस मोड के ऊपर, फिल्म मेकर मोड। प्लस अगर आपका ब्राइट स्पेस, ये आपका रहेगा डे टाइम, जिसमें ब्राइट रूम के लिए थोड़ा सा रहेगा। प्लस अगर आपको डार्क रूम है जैसे, तो डार्क स्पेस, नाइट के लिए ये वाला रहेगा, ये आपका फिर विविड पे आ जाएगा। फिर उसी तरीके से हम जैसे कि साउंड में देखते हैं, तो साउंड भी पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI साउंड लिखा हुआ है आपके सामने। ये क्या करता है, कंटेंट के बेस पे आपका ट्रबल बेस साउंड सेट करता है, जैसे न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं तो न्यूज़ के टाइम पे क्लियर वॉइस करेगा, अगर आप सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं तो उसमें धमक बेस बढ़ा के देगा आपको। प्लस अगर AI नहीं चाहते आप तो स्टैंडर्ड कर सकते हैं, नॉर्मल जो सभी TV में आता है। प्लस ये आपका सिनेमा मोड है, ये आपका क्लियर वॉइस प्रो, प्लस इसमें आपका क्रिकेट मोड रहेगा साउंड में, ये म्यूजिक मोड रहेगा, ये गेम ऑप्टिमाइजर रहेगा, जो गेमिंग वगैरह कंसोल हम जब कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए रहेगा, गेमिंग के हिसाब से, गेमिंग जो आपका PC 4 PC 5 एक्सबूम वगैरह लगाते हैं उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी साउंड प्रोवाइड करता है। ये AI साउंड है, जिसमें आपका सराउंडिंग इफेक्ट भी आएगा और ऑप्टिमाइज साउंड आएगा। प्लस ये साउंड का आउटपुट का मोड है, ये साउंड आउटपुट कि आपको कैसा चाहिए, TV से
साउंड चाहिए, टीवी में जो स्पीकर लगे हैं उससे साउंड चाहिए, या आपको ब्लूटूथ से चाहिए, ब्लूटूथ का कोई डिवाइस है घर पे आपके, तो ये डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ पे आपका जो भी ब्लूटूथ डिवाइस है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, जो मोबाइल में आपकी साउंड आएगी टीवी की। प्लस ये आपका ऑप्टिकल आउट डिवाइस है, ऑप्टिकल अगर आप ऑप्टिकल वायर के थ्रू किसी स्पीकर वगैरह को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। प्लस HDMI RC, ये HDMI जब लगाते हैं तो उसके थ्रू काफ़ी क्लियर वॉइस आती है आपके डिश टीवी वगैरह, अगर ARC वाला है तो ऑडियो रिटर्न चैनल वाला, तो काफ़ी क्लियर स्मूथ साउंड आएगा HDMI पे। प्लस ये आपका ब्लूटूथ डिवाइस प्लस टीवी स्पीकर, इसमें होता क्या है कि आपका जो डिवाइस होगा वो कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ डिवाइस, उसमें क्या होगा कि आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी साउंड आउटपुट 50-50 आप कर सकते हो कन्वर्ट, जैसे आपका 50% आपका टीवी में साउंड आ रहा है प्लस 50% इस तरीके के स्पीकर से आप कनेक्ट कर सकते हो, उसमें से आपका 50-50 साउंड आएगा। जिस और जैसे स्पीकर आप पीछे बैक साइड में रख दीजिए और टीवी सामने हो तो आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा, सराउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। ये आपका मोड रहेगा ब्लूटूथ डिवाइस प्लस टीवी स्पीकर, ये वाला मोड अभी तक किसी भी टीवी में नहीं आया किसी भी ब्रांड के अंदर, ये सिर्फ LG के पास है, जो आपका पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा। प्लस ये आपका ऑप्टिकल आउट डिवाइस प्लस टीवी स्पीकर, ऑप्टिकल से कनेक्ट करके जैसे हम अभी पीछे बता रहे थे ब्लूटूथ से, वैसे ऑप्टिकल से आधा कनेक्ट कर देंगे तो ब्लूटूथ डिवाइस से 50% आवाज़ आएगी, 50% आपके टीवी डिवाइस से आएगी ये टीवी स्पीकर। प्लस ये रहा आपका गेम ऑप्टिमाइज़र, जैसे आप HDMI के थ्रू आप गेमिंग कंसोल कनेक्ट करते हैं एक्सबूम PC4 PC5 वगैरह, तो सारी सेटिंग्स वगैरह कलर्स की साउंड की एक जगह कर सकते हैं गेम ऑप्टिमाइज़र। इसका रिफ्रेश रेट भी काफ़ी अच्छा है, 60Hz का है, रिस्पॉन्स रेट काफ़ी तेज है गेमिंग वगैरह के लिए, प्रोसेसर इसका काफ़ी अच्छा है Alpha 5 का AI प्रोसेसर। प्लस ये आपका नेटवर्क रहेगा, अभी जैसे वाईफाई हमने कनेक्ट किया है आप वाईफाई डोंगल या आप वायर लाइन कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए वायर्ड कनेक्शन वाईफाई वगैरह, तो सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये भी सेटिंग के अंदर है। प्लस ऑल सेटिंग में यहाँ पर आपका आ जाएगा, एडवांस लेवल पर अगर आप सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं जैसे पिक्चर का है ये रेसो सेट कर सकते हैं, ये साउंड का रहेगा, ये जर्नल है जो आपके टीवी के AI सर्विस को आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, AI सर्विसेज के अंदर आपको क्या रेकमेंड करे क्या नहीं करे, ब्राइटनेस लेवल कंट्रोल करे या AI साउंड कंट्रोल करे या नहीं करे, रेकोगनाइजेशन वॉइस कमांड, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी जर्नल के अंदर। फैमिली सेटिंग कर सकते हैं आप, कौन से कंटेंट सेफ रहेंगे, किसको आपको ओपन करने का एक्सेस देना है नहीं करना, प्लस आपका डिवाइस के बारे में जानना चाहते हैं तो डिवाइस के बारे में जान सकते हैं, टीवी मैनेजमेंट वगैरह, ये स्टोर मोड पे चल रहा है या घर पे आप चला रहे हो तो अपने होम मोड पे चला सकते हैं, यहाँ पे आपका टीवी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपका टीवी कौन सा है, डिवाइस नेम, ये UQ8040 PSB मॉडल, ये पूरा मॉडल नंबर आ गया, सीरियल नंबर आ गया, ये सारी चीज़ें, वेबोस टीवी, ये सारा आ गया आपका। प्लस आपका ये टोटल पावर ऑन टाइम कितने घंटे चला है, 12 घंटे चला है, तो सारी चीज़ें सपोर्ट चाहिए कोई कंपनी का, यूज़र गाइड वगैरह खोलिए, और प्लस ये टीवी आपका टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ से करना चाहते हैं तो सपोर्ट में जाके आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, ये देखिए ऑटो अपडेट पे लगा सकते हैं आप, चेक करना कोई अपडेट आया है नहीं आया तो अपडेट कर सकते हैं। प्लस इसी तरीके से आपकी जो ऐप्स वगैरह रहती हैं ये सारी ऐप्स टाइम टू टाइम नेटफ्लिक्स हॉटस्टार यूट्यूब वगैरह सारी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। प्लस इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि आपका ये LG ThinQ मोबाइल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है, जो आपको दिखा रखा है AI ThinQ बोलते हैं इसे, ये देखिए ऊपर यहाँ पे दिखाया हुआ है AI ThinQ, इसे हमने डाउनलोड किया हुआ है अपने फ़ोन में, ये देखिए ये रहा LG ThinQ, इस तरीके का ऐप है, हमने ये ओपन किया और हमारा ये कई सारे TVs कनेक्ट हैं एक ही ऐप से, अब हमारे पास रिमोट नहीं है, ये देखिए रिमोट नहीं है हमारे पास। प्लस ये आपका TV कनेक्ट है, तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाऊँगा तो ये देखिए यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से मैं होम बटन दबाऊँगा तो होम बटन से देखिए ये होम अभी कर ये होम बार चला गया हमारा, होम दोबारा दबाते हैं तो ये देखिए पूरा आ गया। प्लस अगर हम माउस चाहते हैं कर्सर माउस तो ये देखिए हमारा कर्सर माउस भी मिलेगा इसी के अंदर ऐप के अंदर, जहाँ भी हम ले जाके क्लिक करना चाहते हैं तो ये क्लिक भी हो जाएगा, ये देखिए YouTube हमने ओपन किया है, ये हो गया आपका ओपन। प्लस अगर ऑन करना है तो ये देखिए ये ऑन हो गया हमारा, साउंड यहाँ से बढ़ाना चाहे तो साउंड भी बढ़ जाएगा, यहाँ से हम सेटिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं आपका, जो भी आपको साउंड म्यूट से करना है, ये साउंड बढ़ाना है, चैनल सब डाउन करने हैं, कर्सर का यूज करना है, या इनपुट आपको देखनी है, इनपुट आपकी कौन कौन सी है, HDMI लाइव TV ऑडियो वीडियो सब पे आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं, तो ये ऐप के थ्रू भी आप एक्सेस पूरा कर सकते हैं, इसका ये बेनिफिट रहेगा। जैसे मैंने हॉटस्टार ये ऑन किया है अभी, ये रहा आपका कर्सर, आपका नेट बस कनेक्ट होना चाहिए और ये ऑन हो जाएगा, ये देखिए ये ऑन हो गया हमारा हॉटस्टार,
तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम नंबर चाहते हैं तो ऐसे नंबर ला सकते हैं साइड से, कर्सर के लिए ये रहा बटन, लेफ्ट राइट बटन, ओके बटन, ये आपका कर्सर आ जाएगा जिससे कर्सर शो हो जाएगा, ये पॉज एंड प्ले का बटन रहेगा। तो इस तरीके से पूरा ऑपरेट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू LG ThinQ। आपको बस इस ऐप को डाउनलोड करके और ऐड डिवाइस करना है और आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो पूरा का पूरा ऑपरेट कर सकते हैं इसके थ्रू आप। तो ये और प्लस इसके अंदर जो अभी हम बात करें तो जो हमारा अभी जैसे कि अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो जो LED पे पहले आपकी वारंटी आ रही थी 1 ईयर वारंटी आ रही थी फुल वारंटी, अभी जो इस पर वारंटी आई है 3 साल की कंप्लीट वारंटी आई है और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। प्लस अगर आप इस पर 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी लेना चाहते हैं तो कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा वारंटी भी मिल जाती है जिसके अंदर आपको 2 ईयर्स की आपको एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है, वो भी जो आपका 70% कम अमाउंट रहेगा, जो नॉर्मल टाइम पे आपका वारंटी एक्सटेंड करने का अमाउंट ज़्यादा लग रहा था वो 70% कम रहेगा, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। प्लस इसका आपका इंस्टॉलेशन डेमो फ्री रहती है कंपनी की तरफ से। प्लस इसमें जो स्टैंड आपको मिलता है वो वॉल माउंटेड मूवेबल स्टैंड मिलता है, अगर आप दीवार पे लगे लगे टीवी को लेफ्ट राइट मूव करना चाहते हो, अप एंड डाउन आगे थोड़ा खींचना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो, तो वो वाला स्टैंड आपको कंपनी प्रोवाइड करती है जिसे मूवेबल स्टैंड बोलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये था हमारा LG का न्यू मॉडल, लेटेस्ट मॉडल 8040। बाकी अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ऑफर प्राइस जो इसका चल रहा है, वैसे नॉर्मल टाइम पे जो इसका प्राइस आया हुआ था वो 61,000 का था, अभी जो बेस्ट प्राइस आया हुआ है हमारे पास 52,000 का प्राइस आया हुआ 3 ईयर्स कंप्लीट वारंटी के साथ में। प्लस अगर आप हम इस लिंक के थ्रू आते हैं, वीडियो को देख के परचेज करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा और ऑफर मिलेगा प्राइस का। प्लस अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड पर आपको नो कॉस्ट EMI हो जाएगी, प्लस आपको कैशबैक अलग मिलते हैं। प्लस अगर आप बजाज से IDFC बैंक से फाइनेंस कराना चाहते हैं, फाइनेंस अवेलेबिलिटी भी हमारे पास रहेगी। थैंक यू। तो अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप भी सचदेवा इलेक्ट्रॉनिक्स विजिट करके इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। तो सचदेवा इलेक्ट्रॉनिक्स की लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ, ये है न्यू दिल्ली के जेल रोड पे ओम स्वीट्स के बिल्कुल साथ में। तो इस शोरूम का फ़ोन नंबर एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, कोई भी इंक्वायरी हो आपको या क्वेरी हो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वॉटर टैंक इज फुल, प्लीज स्विच ऑफ द मोटर।